नमस्कार, हाजिर हूं मैं आज दिन भर की यूपी की बड़ी खबरों के साथ। आज का यूपी में फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में आज से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की शुरुआत हो गई है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से लोगों से अपील की है कि आज के दिन कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। इस साल वायुसेना दिवस के मौके पर होने वाली फ्लाई पास्ट उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज में होगा। आधुनिक लड़ाकू विमानों राफेल सुखोई से लेकर पुराने मिग जैगुआर विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में शामिल अन्य युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टरों की परेड इस साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर होगी। यूपी में भी विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर लोगों ने आपत्तियां जताना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर बीते दिन राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि बेंगलुरु में हुई 26 राजनीतिक दलों की मीटिंग के बाद गठबंधन के नाम पर देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 22 से 24 जुलाई तक वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिग्रा में होगा। इसमें देश भर के 468 मंदिर प्रमुखों के साथ 41 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें 32 देश ऑनलाइन जुड़ेंगे और 9 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान स्मार्ट टेम्पल मिशन के साथ ही मंदिरों के लिए श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। इसका उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आगरा के एमजी रोड की सूरत जल्द बदलने वाली है। यातायात और थाने की पुलिस मिलकर ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाएगी। फुटपाथ को ठेले और अवैध पार्किंग से मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सड़क पर खड़े वाहनों को भी हटाया जाएगा। इसके लिए 14 चौराहों का चयन किया गया है। यहां की यातायात व्यवस्था सुधारने के बाद पुराने शहर में भी अभियान चलाया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को स्लीपिंग पॉड की सुविधा मिलेगी। प्रयागराज यूपी का पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां ये सुविधा उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है। इस सेवा के शुरू होने के बाद अब यात्रियों को स्टेशन पर उतरने के बाद होटल की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। रिटायरिंग रूम से कम पैसों में यात्रियों को ये सुविधा रेलवे द्वारा दी जाएगी। स्पेन के बार्सिलोना शहर में हुए ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लखनऊ की फिल्म गूलर का फूल को 2023 की बेस्ट शॉर्ट फिल्म का खिताब मिला है। बड़ी बात यह है कि ये फिल्म अवधी भाषा में बनाई गई है, जो कि सिर्फ 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। ये फिल्म लखनऊ में ही शूट की गई है और लखनऊ के ही कलाकार इस फिल्म में है। देश में ड्रोन पायलटों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जुलाई 2022 में ये संख्या 346 से बढ़कर जुलाई 2023 तक 5072 हो गई है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में दी। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानव्यापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि वजूखाना को छोड़कर पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का ASI सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर को बनाने का काम तेजी से जारी है। हर जिले में अमृत सरोवर का काम जल्द से जल्द पूरा कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बलिया में भी अमृत सरोवर को बनाने का काम तेज हो गया है। जिले के हर ग्राम पंचायत में दो दो अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाना है। बता दें कि बलिया में 940 ग्राम पंचायत है। इस तरह भविष्य में 1880 अमृत सरोवर तैयार होंगे। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।